अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने कज़न हाजी इश्तियाक साहब को सी ऑफ करने के लिए। ये सारे बंदे इस तो हाजी साहब ना नहीं वैन बह के दो साल हाजी साहब असद तो दूर सऊदी अरब रह सन, बल्कि इस तो वैन बहन कहीं हाजी साहब रहे तो मोड़ी ना। हम सुबह सवेरे 5 बजे की निकली हुई हैं और अभी तक हम फतेह जंग नहीं पहुँचे, और अब हम फतेह जंग पहुँच चुके हैं। पूरी 50 की स्पीड से हमारे चाचू रिफकत ने गाड़ी को भगा कर हमें पहुँचाया है। इनका बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं, इतनी स्पीड से इन्होंने गाड़ी चलाई। तो अब हम शाहपुर डैम के करीब पहुँचने वाले हैं। तो हाजी साहब का आपको शॉर्ट बायोडाटा बताते चले, पिछले 7 साल का, 7 सालों में इन्होंने शादी ख़त्म, यारमी, मिलाद, उर्स वगैरह कोई भी मिस नहीं किया, और पिछले 3 साल के बायोडाटा में मैं भी इनके साथ बराबर का शरीक हूँ। तो अब हाजी साहब जा रहे हैं तो इन्होंने कमी बहुत महसूस हो सी इन तमाम कमां विच, जिस वह शिरकत असी कर सा। चलो कोई बात नहीं, शाहपुर डैम के हम पुल पर पहुँच चुके हैं जनाब, खूबसूरत प्लेस, और अब आगे होटल ये देख सकते हैं आप। शाहपुर डैम की मछली बहुत मशहूर है। फिजाइया के बिल्कुल सामने पाकिस्तान होटल धुमा फाटक में हम रुके, और हमने सोचा चलो हाजी साहब को छेकड़ा नीचे आप वाह के रवाना करा। हाजी साहब आखा ये बड़ी चंगी सोच है, तो सनी माँ भी चाय नहीं बड़ी तल्लो भोई पी, अस आखा चलो हाजी साहब तो सा चाह पे वहाँ। चाय पीने के लिए जब साहब अंदर की तरफ चल पड़े तो दूसरे कज़न अकबर अली ने कहा कि हमारी एक दो तस्वीरें बनाओ, तो फिर मैं उनकी तस्वीर बनाने लग पड़ा। 2 तस्वीरें उनकी मैंने बनाई और 1 तस्वीर उन्होंने मेरी बनाई, फिर हम होटल में गए। जब हम अंदर होटल में पहुंचे तो तमाम चाय पी रहे थे और मुझे आधी प्याली चाय की दी। मुझे कहते हैं कि वैसे भी तुम चाय घट पीते हो, इसलिए ये आधी प्याली लो। चाय की आधी मुझे प्याली इन लोगों ने पिलाई और फिर सफ़र की तरफ ये चल पड़े जल्दी चलते। मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि यार मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती इन्होंने की है, सारे पूरी पूरी प्याली भरी हुई पीती थी, माँ की प्याली पिवाई नहीं। कोई नहीं, मुमताज़ सिटी असम पहुँच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम पहुँच चुके हैं और हाजी साहब के साथ सूबेदार रफाकत साहब बना रहे हैं तस्वीरें जनाब, और ये बैग अकबर अली के पास है हाजी साहब का। चाचू सूबेदार साहब मुझे कह रहे हैं कि जनाब अच्छे अच्छे गाने लाएँ, शफोले ने गाने लाने, हाजी साहब ने मैं तस्वीरें बना के तुम्हें सेंड करना था, ठीक है ना। इससे आगे हम जा नहीं सकते और हम इधर ही से हाजी साहब को अल्लाह हाफिज़ करेंगे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। 2 साल बाद फिर इनके साथ मुलाकात होगी। इधर हम कुछ सेल्फियां बनाएंगे अंदर जाके और फिर इनको खुदा हाफिज़ कहेंगे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। फिर हमने हाजी साहब के साथ ढेर सारी यादगार तस्वीरें बनाई और उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहा। एयरपोर्ट के एरिए का खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं, खूबसूरत गार्डन है जनाब। हाजी साहब को हम रवाना कर चुके हैं, ये आगे बिल्डिंग में वो चले गए, इससे आगे जाएंगे और फिर जहाज़ पे सवार हो जाएंगे। सामने आप एयर ब्लू की परवाज देख सकते हैं, कुछ ही देर में होने वाला पेट दबाव में जहाज़ आज देख है। सामने जहाज़ खड़े होते हैं, इस तरफ होते हैं, ये बिल्डिंग है सामने, बाकी नज़र नहीं आ रही। वो एयर ब्लू वाला तैयार है, बिल्कुल तैयार है उड़ने के लिए जनाब, परवाज़ भरने के लिए। तो अब हम वापसी का सफ़र तय करने वाले हैं, वापस जाने वाले हैं जनाब। पार्किंग में हम पहुंच चुके हैं, पार्किंग में जिधर गाड़ी पार्क की थी जनाब, तो अब हम वापस चलते हैं। व्लॉग में मैंने जो कुछ हाजी साहब के बारे में बोला वो सब झूठ था, ऐसा बोल के मैं आपको दुखी नहीं करूंगा, मैं हाजी साहब ही से माजरत कर लूँगा कि मैंने ऐसा आपके बारे में व्लॉग में रिकॉर्ड किया है। अभी फतेह जंग हम पहुँची थे तो हाजी साहब ने मुझे कॉल की, मैं सोचने लग पड़ा शायद हाजी साहब फ्लाइट में बैठे ही नहीं है, वापस घर आ रहे हैं। तो हाजी साहब मुझे आगे से कहते हैं, नहीं जनाब मैं सऊदी पहुँच चुका हूँ, आप किधर पहुँचे? मैंने कहा अभी हम फतेह जंग आई, पाकिस्तानी कौम है, ये टाइम से नहीं पहुँचती।